माता का जिक्र है। एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वो सब काम साथ मिलकर करते थे। उनके बीच एक खरगोश भी था जो बहुत शरारती मगर मगरूर था। वो आते जाते सब जानवरों का मजाक उड़ाता था। भालू मामा, आप तो लगता है बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब आपने मैं दम नहीं रहा। और हाथी खालू, आप तो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। कम खाया करें और ज्यादा मेहनत करें, तभी मेरे जैसे पतले हो सकेंगे। अगर मेरी तरह फुर्तीले और समझदार तब भी नहीं हो सकेंगे। खरगोश से कहकर उन पर हंसने लगा। करीब ही खड़े कछुए ने खरगोश से कहा, मेरे दोस्त अपने बड़ों का यूँ मजाक नहीं उड़ाते, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। खरगोश गुस्से में बोला, मैं चुप रहा, तुम मेरे दोस्त नहीं। तुम जैसे सुस्त रफ्तार को मैं कभी अपना दोस्त न मानूं। सब जानवरों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। बंदर बोला, ओ मियां जरा थम कर, इतना तकबर अच्छा नहीं। और मत भूलो, ये वही सुस्त कछुआ है जिसने तुम्हें पिछली दफा हराया था। खरगोश फौरन पलट कर बोला, मैं नहीं मानता उस दौड़ को, वो तो बस मेरी आग लग गई थी और इस चालाक कछुए ने उसी बात का फायदा उठाया। भालू ये सुनकर कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना एक दौड़ और हो जाए। खरगोश ने कहा, ठीक है, मगर इस दफा रास्ता मैं चुनूंगा। सब जानवर राजी हो गए और अगली सुबह दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने जानबूझकर पहाड़ी वाला रास्ता चुना था। वो खुद तो दो चार छलांगों में ही नजरों से ओझल हो गया, मगर बेचारे कछुए के लिए पहाड़ी पर चढ़ना इतना आसान ना था। वो बार बार ऊपर चढ़ता और फिसल जाता। बिलाखर जैसे तैसे उसने रास्ता तय किया, मगर खरगोश तो पहले से ही वहाँ मौजूद था और अपनी जीत पर खुशी मना रहा था। मैं जीत गया। हाथी ने कहा, जीत तुम्हारी नहीं हुई, अभी तो हिसाब बराबर हुआ है। एक दौड़ तुमने जीत ली और एक कछुए ने। जीतने के लिए तो एक आखिरी दौड़ होनी चाहिए। जो उस दौड़ में जीत गया असल जीत का हकदार वही होगा। सबने हाथी की ये तजवीज मानी। खरगोश को भी हाँ करनी पड़ी। आखिर सवाल अब उसकी इज्जत का था। इस बार रास्ता बाकी जानवरों ने चुना। अगले दिन फिर दौड़ शुरू। खरगोश हमेशा की तरह पल भर में नजरों से ओझल हो गया, मगर कुछ दूर जाकर वो रुक गया, क्योंकि उस रास्ते में एक नदी भी है और खरगोश तैरना नहीं जानता। इतने में कछुआ भी वहाँ पहुँच गया। क्या हुआ दोस्त, क्यों नहीं? मुझे तैरना नहीं है, अब इस नदी को मैं कैसे अबोर करूँ? कछुआ बोला, क्या हुआ, मुझे तैरना आता है। तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। खरगोश बोला, भला तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम जानते हो कि हमारा मुकाबला हो रहा है। कछुआ बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त, ये जीत हार तो जिंदगी का हिस्सा है। असल जिंदगी का मकसद एक दूसरे के काम आना है। तुम जीतना चाहते हो तो जीत जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी असल खुशी तो तुम्हें ये नदी पार करवा कर होगी। और ये कहकर कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर सवार किया और नदी पार करने लगा। खरगोश को कछुए की बात ने बहुत शर्मिंदा किया और उसे अपने तकबर और बदतमीजी पर गुस्सा आने लगा। जब वो नदी के उस पार उतरे तो खरगोश ने कहा, तुम वाकई बहुत साफ दिल और नेक नियत हो, मैं अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कछुआ मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बस तुम ही नहीं मानते थे। ये सुनते ही खरगोश ने कछुए को गले से लगा लिया। खरगोश बोला, क्यों ना ये मुकाबला हम इकट्ठे जीतें और हमेशा के लिए इस जीत हार को खत्म कर दें। वो कैसे? पहले तुमने मुझे नदी पार करवाई थी, अब मैं तुम्हें पहाड़ी पार करवाऊंगा। उसने कछुए को अपनी कमर पर सवार किया और उन दोनों ने साथ मुकाबला खत्म किया। सब जानवर इस अनोखी दौड़ पर बहुत हैरान और खुश थे। खरगोश ने फिर कभी किसी जानवर को तंग नहीं किया। वो सब हंसी खुशी रहने लगे। नतीजा, खुश अखलाकी और हुस्न सलूक किसी को भी बदल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।